हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज साहिल सोलंकी और आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है इन 1.5-2 महीनों में, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और मैं सच में, मैं क्या बोलूँ आप लोगों के लिए यार, मुझे ना मतलब मुझे एहसास कभी नहीं हुआ था कि आप लोग ना एक फैमिली के जैसे हो मेरे। मतलब मैं इंस्टा पे देखता हूँ ना आपके मैसेजेस, और आपके शेयर करते रहते हो आप लोग, कुछ ना कुछ मेरे लिए प्यार भरा मैसेज देते रहते हो। मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग मेरा सब कुछ हो। मुझे इससे बड़ी दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मुझे। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपनी जो मेरी इंडियन आइडल की सच्चाई है, मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं बड़ा मजबूर हो गया। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, बाद में मैं बड़ा मजबूर हो गया कि मुझे आप लोगों का जो प्यार नज़र आया इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों से कुछ ना कुछ मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए। मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर किया था, मेरा टीवी पे एलिमिनेशन आने से पहले ही मैंने आप लोगों को सबको शेयर कर दिया था कि मैं एलिमिनेट होने वाला हूँ, और उसके पीछे कुछ रीज़न थे जो मैं बता नहीं पाया आपको। तो मैंने कल नोटिस किया, मैंने कल टीवी पे देखा एपिसोड, कल वहाँ पे पहले बॉटम स्कोर, जिनके मतलब जजेस की तरफ से स्कोर लिया गया कि भाई कौन आपकी तरफ से बॉटम में है, तो वहाँ पे मुझे दिखाया गया। पहली बात तो मैंने ऐसा गाना ही नहीं गाया इस हफ्ते के जिसकी वजह से मैं बॉटम में आ पाऊँ, तो मुझे गलत गलत डाला इन्होंने बॉटम में। उसके बाद फिर वोटिंग्स का ऐसा दिखाया कि मैं वोटिंग में सबसे कम हूँ, तो वोटिंग में मुझे तो दूर दूर तक ये नहीं लगता है कि मतलब मैं वोटिंग में कम रहूँगा, क्योंकि मुझे जो प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे और आप लोगों का जो प्यार मुझे नज़र आ रहा है, मुझे नहीं लगता मुझे वोट्स कम आए होंगे और मैं वोट्स की वजह से मतलब मैं बाहर हो गया। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मैं इतना प्यार आप लोगों का देख रहा हूँ, तो ये मुझे गलत लगा ये चीज़। और मैंने भी यार मतलब आप सब कहीं ना कहीं मुझे जानते हो कि मैं पहले भी काफ़ी रियलिटी शोज़ कर चुका हूँ। मैंने बचपन में लिटिल चैंप्स किया था, उसमें भी मैं टॉप 10 में था। फिर उसके बाद मैंने 2013 में भारत की शान किया, उसमें मैं फाइनलिस्ट था। और 2015 में मैंने द वॉइस इंडिया किया, जिसमें मैं मिक्का पाजी की टीम में था, उसमें भी मैं फाइनलिस्ट था। सारेगामा भी मैंने पिछले साल किया, उसमें भी मैं फाइनलिस्ट था। तो मतलब इतने रियलिटी शोज़ वाले जो ये थे, ये सब पागल तो है नहीं कि मुझे सिर्फ या तो स्टोरी बेस पे आगे ले आए, या मुझे फिर मतलब मुझे गाना नहीं आता और मुझे आगे लेके आ गए, ऐसा तो है नहीं। सब ऑडियंस सब जानती है कि कौन क्या गाता है और कौन क्या नज़र आ रहा है। अब मुझे ये इस रियलिटी शो में नज़र आई हैं चीज़ें। मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोग जैसे इंडियन आइडल को बहुत बड़ा मानते हैं और है भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे अब जाके फील हुआ है, तो वो सच्चाई ये है कि पहले तो इन्होंने मुझे लिया शो में, मैं जी के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, तो वहाँ पे इनकी थोड़ी डील हुई जी और सोनी की। मैंने तो एक बार सोच लिया था कि मतलब जी के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, तो जी मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो मतलब सोनी मुझे शो नहीं करने, मतलब नहीं लेगा शो में। फिर भी इन्होंने डील करके मुझे ले लिया शो में। शो में लेने के बाद इन्होंने मुझे एक दो एपिसोड में अच्छा दिखाया और अच्छा गाना दिया, मैंने अच्छा गाया भी, तो वो सब इन्होंने दिखाया। फिर बाद में इन्होंने 3 एपिसोड से मैं लगातार मैंने नोटिस किया कि ये लोग मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मैं इनको बोले भी जा रहा हूँ कि मुझे रीज़न बताएं आप लोग कि क्या रीज़न है आप लोग सोनी पे मेरी वीडियो नहीं डालते हैं, सोनी पेज पे कुछ नहीं करते हैं, और मतलब बाकी जितने टॉप 14 हैं उनको आप बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, कुछ लोगों को तो दिन रात दिखा रहे हैं। मतलब मेरे में ऐसा क्या है कि मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? तो मेरे को बोलते थे कि आपको आगे दिखाएंगे, आप टेंशन मतलब आपको आगे दिखाएंगे, अभी बहुत टाइम है साहिल, अभी तो बहुत ये है। तो मैं बोला चलो कोई नहीं भाई, ठीक है, लेकिन मैं इतने रियलिटी शो कर चुका हूँ ना, मुझे सब नज़र आता है, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि मैं समझ जाता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्रिएटिव वाले जो थे चैनल में, क्रिएटिव टीम होती है, वो सबका कंटेंट बनाती है, सबकी स्टोरीज, तो मेरी कोई स्टोरी उन्हें मिल नहीं रही थी कि मैं तो जो हूँ मैं सच्चा हूँ, मेरे जो मन में है मैं वही मुंह पे बोलता हूँ, मेरी जो सच्चाई है मैं कुछ बना के नहीं बोलता हूँ कि मैं ये हूँ या मैं वो करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं इस शो में गया इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, और मैंने और मेरे को इतने मैसेजेस आते लोगों के जब मैं इंडियन आइडल का मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि मैं आ रहा हूँ इंडियन आइडल में, तो मुझे लोग बोल रहे हैं कि आपको क्या ज़रूरत थी इंडियन आइडल में जाने की, आप अच्छा खासा आपका एक लेवल है,
मैंने बॉलीवुड में भी गाने गाए हैं, पंजाब इंडस्ट्री में भी मैंने गाने गाए हैं, मेरे सिंगल्स आते रहते हैं, फिर भी मैं इनके कहने पे इंडियन आइडल में आया और मुझे लगा कि चलो मुझे ये करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने मेरे इमोशंस के साथ खेला और मुझे बड़ा इन्होंने दुख पहुंचाया है मुझे, जो कल ये टीवी पे मैंने देखा है। टॉप 15 में मैं आउट, मतलब मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, आप सब ये बात जानते हैं कि ये मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। मैं इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, म्यूजिशंस हैं, बड़े लोग हैं, वो सब मतलब कोई यकीन ही नहीं कर रहा है कि मैं मतलब टॉप 15 में आउट हो सकता हूँ। तो मैं अभी क्या बोलूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बस इंडियन आइडल के बारे में मैं यही सोचता रह जा रहा हूँ। मैं रोज़ यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ मतलब इसके बारे में, इंडियन आइडल टीम के बारे में, मतलब मैं क्या क्या बताऊँ मतलब आप सबको। मैं जजेज हमारे सही थे, वो मेरे लिए कभी अच्छा बोलते थे और कभी एक दो चीज़ें मतलब ऐसे बोल भी देते थे, लेकिन वो अच्छे थे, वो अच्छा बोलते थे, लेकिन मेरी, मैं ये नोटिस करता था कि मेरी बुराइयाँ ये टीवी पे ज़्यादा दिखाते थे और लोगों की बुराइयाँ भी काट के एडिट में और लोगों की अच्छाइयाँ ज़्यादा दिखा देते थे। मेरे एपिसोड चल रहा है, एपिसोड में फ्रेम में मैं कभी नहीं आता था, मुझे नहीं दिखाते थे, या तो मतलब मैं इनसे रोज़ बोलता था कि रीज़न क्या है, या तो ये मुझे बता देते कि ये रीज़न है, मैं हम इसीलिए आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे फेवरेट गाने जो जिसमें मैं बेस्ट हूँ, जिसमें मैं दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने सारेगामपा में गाए हैं, द वॉइस में गाए हैं, तो वो सब इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं दिए। मुझे बोलते थे कि आगे तो साहिल आपको गाना ही है, आगे आपको अच्छे गाने हम देंगे ही जो आप गाते हो, और सबको सबके पसंदीदा गाने मिलते थे, मुझे कोई गाना नहीं मिलता था। मुझे ये बोला जाता था चैनल से ये गाना आया है तो आपको एपिसोड के हिसाब से ये चैनल आपका मतलब ये गाना बेस्ट रहेगा, आप ये गाओ, तो भी मैं ये सोचता चलो कोई नहीं यार, मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, आगे मैं रहूँगा तो आगे मैं गाऊँगा। ये सब होने के बाद अभी मैं, इतनी चीज़ें हैं कि मैं सारी बोलूँगा ना तो पूरा मतलब मामला सारा बिगड़ जाएगा, मैं वो चाहता नहीं। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ आखिर में कि मेन चीज़ यही है कि आप लोग मुझे जो प्यार कर रहे हो ना, ये मेरे लिए सबसे, मुझे अभी सबसे बढ़कर सिर्फ एक यही चीज़ लग रही है कि आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, जो हैशटैग आप वी वॉन्ट साहिल बैक, वी वॉन्ट साहिल सोलंकी, ये सब आप डाल रहे हो। मैं सच सच बताऊं तो मैं इंडियन आइडल में बिल्कुल वापस जाना नहीं चाहता, वाइल्ड कार्ड एंट्री में मैं जाना ही नहीं चाहता, और इसलिए आप लोग जो ये मेहनत कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि मुझे आपका जो प्यार ये नज़र आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और मैं अपने सिंगल्स निकालूंगा अभी बहुत जल्द, और आप लोगों से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप यही प्यार मेरे लिए हमेशा ज़िंदगी में बनाए रखोगे। और मैं ये आपको एक बोलना चाहता हूँ बात, कि सैटरडे संडे मैं 8 बजे इंडियन आइडल में आता था सोनी पे, और मैं अब आपको ये बोलता हूँ कि मैं हर सैटरडे संडे ऐसे ही 8 बजे मैं लाइव आया करूँगा इंस्टा पे, मेरे इंस्टा पेज पे, और आप सबको मैं अपने तरीके से एंटरटेन करूँगा, मेरे गाने सुनाऊँगा, मेरी हर चीज़ बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है ना, वो उससे बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कुछ है, इंडियन आइडल है या कोई भी शो है। सो गाइज, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और आप खुद मुझे ये बताएं कि मैं ये डिज़र्व करता था जो कल इंडियन आइडल में रात को हुआ है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।